वेलकम टू माय चैनल. मैं डॉक्टर ऋतु जैन, मैं एक होम्योपैथिक कंसल्टेंट हूँ और आज मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर इन्फेंट्स, मतलब छोटे बच्चों के लिए जो कि 0 से 2 ईयर्स के होते हैं, 2 ईयर्स के. तो इनके लिए लोग परेशान रहते हैं कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लें कि नहीं लें. दूसरा, लोगों को समझ नहीं आता है कि उनको क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं और सबसे पहले वो जाते हैं एलोपैथिक डॉक्टर्स के पास. और एलोपैथिक डॉक्टर्स के पास छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप एलोपैथिक डॉक्टर्स के पास जाते हैं और उनको एंटीबायोटिक्स दे दिया जाता है. और वो एंटीबायोटिक्स जो होती है बचपन से ही, इतनी छोटी एज में, इतनी कम उम्र में ही एंटीबायोटिक लेने से उनका इम्यून सिस्टम पर काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है. और इम्यून सिस्टम अगर वीक होता है तो वो सारी चीज़ें जल्दी जल्दी रिपीट्स होने लग जाती हैं. तो ये सारी चीज़ों के लिए लोग, बहुत लोग जानते हैं कि सेफ होता है होम्योपैथिक, बट उस पर फेथ नहीं कर पाते हैं कि छोटे से बच्चे को हम दें कि नहीं दें, ठीक नहीं हुआ तो. ये आप अपने दिमाग से सारी चीज़ें निकाल दीजिए. होम्योपैथिक मेडिसिन सभी के लिए वर्क करती है, एक्यूट कंडीशन में भी वर्क करती है और क्रॉनिक कंडीशन में तो करती ही है. और छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी आप होम्योपैथिक ले सकते हैं, जिसका आपको डोजेस पर सिर्फ डिपेंड करता है कि अगर आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो बताएंगे कि इसको कैसे लेना है. और रिपीट करना रहता है थोड़ा सा एक्यूट कंडीशन में मेडिसिन, तो उससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं. तो मेरे पास कई पेशेंट्स आते हैं, मैंने कई सारे पेशेंट्स को, बच्चों को ट्रीट किया है जो कि 0 एज से 5 डेज 4 डेज के बच्चों से लेके वो बड़े हो गए आज 5 साल के, जिन्होंने सिर्फ होम्योपैथिक मेडिसिन लिया है और उनको, उनकी इम्यून स्ट्रांग इतना अच्छा हो गया इम्यून सिस्टम कि उनको जल्दी जल्दी कोल्ड कफ और ये बीमारियाँ नहीं होती हैं. तो मैं आपके साथ भी वो चीज़ें शेयर करना चाहूँगी अपने एक्सपीरियंस के साथ साथ कि मेरे को क्या एक्सपीरियंस मिला और मेडिसिन से आपको भी ठीक हो सकते हैं, आपके बच्चे भी, उनका इम्यून सिस्टम आप उसको स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं. तो सबसे पहले मैं बात करूँगी जनरली बच्चों में क्या क्या प्रॉब्लम्स मिलती हैं. तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम्स मिलती है वो है कोल्ड कफ. कोल्ड कफ मतलब कोल्ड होना, मतलब जल्दी सर्दी हो जाती है, थोड़ा भी बच्चों को हवा लग जाती है तो कोल्ड हो जाता है, छींकें आने लग जाती हैं या पानी आने लगता है नाक से, थिक डिस्चार्जेस आने लगते हैं या फिर सांस लेने में दिक्कत होती है, उसको अपन बोलते हैं नोज ब्लॉक. तो नोज ब्लॉक जो होना, सर्दी होना जिसको अपन बोलते हैं, उसके लिए मेडिसिन मैं बताती हूँ. अगर बच्चे को छींकें ज़्यादा आ जा रही हैं तो उसके लिए मेडिसिन हो जाती है आर्सेनिक. और अगर वो ज़्यादा रिपीट भी करने की ज़रूरत नहीं है, 1 या 2 डोज में ही आर्सेनिक मेडिसिन देने से आपकी बच्चे की स्नीजिंग बंद हो जाएगी. अगर आपकी बच्चे की नाक बह रही है, थिन डिस्चार्जेस हैं तो उसमें नेट्रम्यूर हो जाता है. अगर उसके थिक डिस्चार्जेस आ रहे हैं तो उसमें एलियम सिपा मेडिसिन हो जाता है. और यदि अगर आपके बच्चे की नोज़ ब्लॉक हो रही है, वो सांस लेने में दिक्कत हो रही है, खरखराहट आ रही है, वो दूध पे फीड करने में दिक्कत हो रही है क्योंकि नोज़ ब्लॉक हो रही है उसकी, ये सिम्टम्स बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाते हैं नोज़ ब्लॉक के, तो सर्दी में नोज़ ब्लॉक होना, उसके लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन है अमोनियम कार्ब. अमोनियम कार्ब जो मेडिसिन है नोज़ ब्लॉक के लिए, आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है जल्दी ट्रीटमेंट की, जो उसके लिए इसके 2 to 3 doses ही आपके बच्चे में वर्क करते हुए दिखाई देंगी. और आप अमोनियम कार्ब मेडिसिन देने से बच्चे की नाक तुरंत खुल जाती है. दूसरा आता है सिम्टम्स कफ. कफ अगर खांस रहा है बच्चा, तो बच्चा अगर खांस रहा है, उसकी खांसी ठीक करनी है, तो आप उसमें थोड़ा सा वेरी वही करते हैं सिम्टम्स कि ड्राई कफ है कि कोल्ड कफ वो है. तो अगर एकदम ड्राई कफ है, कोई बलगम नहीं फंस रहा है चेस्ट में, कोई साउंड नहीं आ रही है, तो उसके लिए मेडिसिन हो जाती है एपिकॉक. और अगर बच्चे के जो है थोड़ा मॉइस्ड कफ है, आपको खरखराहट सुनाई दे रही है, गले में कुछ फंसा सा समझ में आ रहा है खांसते वक्त, तो उसमें मेडिसिन हो जाती है एंटिम टार्ट. एंटिम टार्ट जो मेडिसिन है वो आपके बच्चे के लिए सबसे, और एंटिम टार्ट ऐसी मेडिसिन है इसको रिपीट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है. आप दिन में 2 बार भी सुबह शाम देंगे, 2nd डे आपका बच्चा एकदम कफ से रिलीफ हो जाता है. और उसके साथ साथ सीजनेबल अगर है कफ तो सीजनेबल मेडिसिन ज़रूरी होती है, रस्टॉक्स वगैरह. और देन फिर इसके बाद आता है फीवर. फीवर के लिए जो मेडिसिन होती है, बच्चों को फीवर, हाई ग्रेड फीवर हो जाता है, लोग पैरासिटामोल देना ही पसंद करते हैं, बट आप होम्योपैथिक भी करिए, आप होम्योपैथिक में कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं, तो इसमें मेडिसिन हो जाती है एव्यूपेटोरियम, जैल्सीमियम, बेलाडोना. कैमोमिला मेडिसिन एक ऐसी मेडिसिन है जो कि बच्चों को काफ़ी सारी बीमारियाँ जो कवर करती है, बच्चों के लिए स्पेशल जो डिजी एक मेडिसिन बनी हुई है वो है कैमोमिला. कैमोमिला मेडिसिन जो है आपकी आधी से ज़्यादा बीमारियाँ कवर करती है बच्चों को. कैमोमिला मेडिसिन आप उसको एज ए अपने प्रिवेंटिव, एज ए आप एक जैसे पैरासिटामोल घर में रखते हो उस तरीके से रख भी सकते हैं छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के लिए. देन अब ऐसे ही फीवर के लिए स्पेशली एक फीवरो एड करके सिरप भी आता है बच्चों का, जो कि बैक्सन कंपनी का है, वो भी आप पहले से प्रिवेंटिव की तरह रख सकते हैं. जैसे ही बच्चे को फीवर आपको दिख रहा है, बॉडी टेम्परेचर बढ़ते हुए दिख रहा है, तो उसमें आप यूज़ कर सकते हैं फीवो एड.
देन इसके अलावा होता है कोलिक पेन. कोलिक पेन जो होता है बच्चों में पेट दर्द होना, तो जनरली बच्चों को गैस्ट्रिक की वजह से पेन स्टार्ट हो जाता है. पेट दबा के आप देखिए तो उसमें आपको पेन बचर होता है ज़्यादा, तो कोलिक पेन है. तो उसके लिए मेडिसिन कैमोमिला होती है, साथ साथ मैकफॉस कोलोसिंथ मेडिसिन भी होती है कि आपको मैकफॉस कोलोसिंथ मेडिसिन लेने से जो है आपको पेट दर्द में आराम लगेगा. और भी कई रीजंस होते हैं, गैस्ट्रिक रीजंस होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन चेंज हो जाती है, बट एक फर्स्ट एड के उससे आप यूज़ कर सकते हैं मेडिसिन. फिर आता है लूज मोशन. अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा लूज मोशंस हो रहे हैं, आप बच्चा बार बार लूज मोशन जा रहा है, दिन में 8 से 15 बार लूज पतले दस्त चला जाता है, तो वो एक तो वो भी एक कॉज पर डिपेंड करते हैं. कुछ बच्चे ने मान जनरली फीडिंग बेबी पे अपन डिपेंड करते हैं कि मदर ने कुछ खाया होगा उसकी वजह से आ रहा है, तो उसके लिए भी कैमोमिला मेडिसिन तो होती ही होती है, उनके डाइजेशन को ठीक करती है. साथ ही साथ आप मेडिसिन ले सकते हैं लूज मोशन के लिए, चाइना, वेरेटम एल्बम और कई सारी पोडोफाइलम, ये ऐसी मेडिसिन है जो कि लूज मोशन में वर्क करती हैं. देन उसके बाद आता है कुछ बच्चों में कॉन्स्टिपेशन देखा गया है कि बच्चे मोशन नहीं जाते, 2 डेज हो जाते हैं मोशन नहीं जाते, और जब भी जाते हैं तो काफ़ी स्ट्रेन के बाद जाते हैं, हार्ड मोशन जाते हैं, बॉल्स टाइप का मोशन जाते हैं. तो कई बार कॉन्स्टिपेशन में ऐसा होता है कि मोशन हार्ड नहीं फिर भी काफ़ी स्ट्रेन करना पड़ता है और 2-2 दिन में मोशन जाते हैं बच्चे, तो उसकी वजह से भी पेरेंट्स काफ़ी परेशान होते हैं कि बच्चा मोशन नहीं गया, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी. तो उसके लिए मेडिसिन मैं बता रही हूँ, सबसे हार्ड मोशन के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए मोशन होती है ब्रायोनिया मेडिसिन. देन इसके साथ साथ आपके एलुमिना मेडिसिन हो जाती है, जगह सॉफ्ट है और फिर भी स्ट्रेन करना पड़ रहा है, तो और भी मेडिसिन होती है कॉन्स्टिपेशन के लिए जो कि उनके अकॉर्डिंग टू कॉज देखना पड़ता है. तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, यहाँ से 7 से 8 चीज़ें मैंने बताई आज आपको कि बच्चों में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है और साथ ही साथ आपको उसके क्या डिजीज़ है का सोल्यूशन क्या है. तो ये सारी मेडिसिन हैं कि जो कि आपको देखना पड़ता है कि आपके आप रख सकते हैं घर पे मेडिसिन, और बच्चों को भी दिया जा सकता है. बच्चों को मेडिसिन में कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, सिर्फ डोजेस का चेंजेस है कि डोज आपको कब क्या देनी है डोजेस. कुछ मेडिसिन ऐसी होती है कि थोड़ा सा आप एक्यूट कंडीशन है उसके लिए आपको रिपीट करना पड़ता है, और कुछ ऐसी मेडिसिन भी हैं होम्योपैथिक में जिसको पॉलीक्रस्ट मेडिसिन बोलते हैं, जो कि 1 या 2 डोज में ही सब कुछ ठीक कर देती है. जिसे मैंने खांसी के लिए एंटीम टार्ट बताया, आपको एलियम सीपा मेडिसिन बताया, आपको मैकफॉस बताया, ये कुछ मेडिसिन हैं जो कि आपको काफ़ी सिंगल डोज 2 डोज में भी ठीक कर देती हैं. और इसके अलावा भी आपको कुछ अगर प्रॉब्लम्स लगती हैं और कुछ आपको को समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स पे भी कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका सोल्यूशन आपको ज़रूर बताऊँगी. और आपको कोई भी इसके बारे में और कुछ जानना चाहते हैं जो कि मैंने इस वीडियो में नहीं बोला है तो उसके लिए भी आप मुझे बता सकते हैं और उसका मैं आपको ज़रूर सोल्यूशन बताऊंगी. और आप मुझसे होम्योपैथिक मेडिसिन से ऑनलाइन कंसल्टिंग भी ले सकते हैं. और इसके लिए सबसे पहले आपको मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें. अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरीके से और भी इन्फॉर्मेशन आपको देती रहूँ और भी होम्योपैथिक के अपडेट्स देती रहूँ कि जिसमें आप होम्योपैथिक ले सकते हैं किसमें नहीं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको मैं और अपडेट्स देती रहूँगी. और मेरे FB पेज को, फेसबुक पेज को भी लाइक करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्टिंग लेना चाहते हैं तो मेरे जो भी उसमें कंसल्टिंग की जो भी शेड्यूल्स होते हैं लाइफ के वो उसी में आपको मिलेंगे. थैंक यू.